नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा झा। नजर डालते हैं आज के खबर पर। अब शहर को जल जमाव से जल्द ही निजात मिलेगा। दरभंगा को जल जमाव से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम जनता की आवाज एवं जनप्रतिनिधियों की आवाज को हमेशा से उठाती रही है। बुडको के द्वारा लगभग 5 करोड़ से भी अधिक योजना से बनने वाले मुख्य नाले की सफाई एवं मुख्य नाले के शिलान्यास कार्यक्रम के तहत पूरे टिन्ही पुल से लेकर एकमी के पुल के सभी बंद पड़े नालों का निरीक्षण करने के लिए बुडको टीम के साथ दरभंगा नगर निगम के अधिकारी नगर विधायक संजय सरावगी एवं महापौर बैजयंती खेरिया वहां पहुंची। लगभग सभी बड़े नालों की सफाई एवं आने वाले समय में आम जनता को जलजमाव से निजात दिलाने के लिए बड़े प्रयास का कार्य प्रारंभ हो गया है। जो शहर का ऐतिहासिक भूगर्भीय नाला है, कर्पूरी चौक, बेता चौक होते हुए प्रिंस होटल के बाद लहरिया साहब गुजरी और सैद नगर के बाद एकमी घाट, यह बहुत दिनों से बंद पड़ा और यह अगर प्रारंभ हो जाएगा तो लहरिया सराय का 70% जल जमाव की समस्या का निदान हो जाएगा। इस पर मैंने अगर सरकारी संकल्प विधानसभा में लगाया था, प्रधान सचिव से व्यक्तिगत रूप से और मंत्री जी से मिला, तो एक बैठक पिछले दिनों हुई थी पटना में और आज 6 तारीख को सभी टीम को स्थल निरीक्षण करके जिसका जो दायित्व था उसको बांटता था। आज उनको पटना की टीम आई थी, निर्माण के वहाँ पदाधिकारी थे, नगर निगम के पदाधिकारी थे, जो है जो दो सब हाउस है, एक घाट पर और एक सैन नगर बंद पड़ा था, उसको प्रारंभ करेंगे। और फिर वहाँ विधान जो है डीपीआर जो है नाला का डीपीआर समर्थन शहर के भटियाड़ी सराय के पास स्थित हजरत मखदूम भीखा सलामी का 5 दिवसीय सालाना उर्स मेला की शुरुआत 5 सितंबर को हो गई। यह उर्स 5 सितंबर से 9 सितंबर तक चलेगा, जिसमें कई दूर दराज से लोग आते हैं। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए कार्यक्रम के संचालक मोहम्मद उस्मान ने बताया कि यह सालाना उर्स मेला 405 वर्षों से लगती आ रही है, जहां इस बार यह 405वां है, जो बकरीद पर्व के 3 दिन बाद शुरू हो जाती है। गौरतलब है कि बुधवार को मुहर्रम कमेटी के द्वारा भीखा सलामी पर चादर चढ़ा गया। 8 पीड़ितों के बीच नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार का राहत सामग्री नहीं बांटे जाने से भाकपा माले के द्वारा बुधवार को नगर निगम पर जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं लोगों का कहना था कि बाढ़ पीड़ितों के बीच नगर निगम ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो पीड़ितों को लाभ पहुंचे हो, यहां तक कि किसी का पॉलीथीन भी नहीं दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इस प्रदर्शन में शहर के वार्ड के लोग भी भाग लिया, जिनका कहना था कि वार्ड में बाढ़ पीड़ितों की सूची बन रही है, जो कि उन लोगों की है जो पार्षद के चहेते हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया है। ऐसे लोगों की सूची तैयार किया जा रहा है जो कि गलत है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अनंत चतुर्दशी दोनों होने के कारण संस्कृत विश्वविद्यालय बंद रही, जिस वजह से संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में ही शिक्षक दिवस बुधवार को मनाया गया, जिसके विशिष्ट अतिथि पूर्व कुलपति प्रोफेसर रामचंद्र झा उपस्थित थे, जिन्होंने माँ सरस्वती और महाराजा कामेश्वर सिंह के तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वही इस कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि डॉक्टर विनय चौधरी और डॉक्टर कन्हैया चौधरी थे, जिन्हें संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने पाग चादर मेमेंटो आदि देकर सम्मानित किया। साथ ही अच्छे कार्य करने वाले कर्मी को भी सम्मानित किया गया। बुधवार को राम चौक महाराजी पुल के पास स्थित रहने वाले पप्पू कुमार खेतान का 22 वर्षीय पुत्र मुरारी कुमार खेतान दोपहर को बागमती नदी में स्नान करने के लिए दुकान छोड़कर निकला, लेकिन नदी में तेज बहाव और पानी अधिक होने के कारण वह डूब गया, जिसका पता घंटों बाद भी नहीं चला। वही लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन तो आई लेकिन कुछ भी करने में असमर्थता जता रही है, तथा घंटों बाद भी ना गोताखोर पहुंचा और ना ही एनडीआरएफ की टीम पहुंची, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है।
और एक भी नाव नहीं आया। 18-19 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 18-19 क्या नाम था? मुरारी कुमार खेतान। आपका क्या नाम? सरवन कुमार खेतान। काम भी करता था? हाँ, दुकान पर से छोड़ के आया कि हम आते हैं, 10 मिनट अभी तक नहीं किया। क्या चीज का दुकान? कपड़ा का दुकान है। कुछ हुआ था घर में? नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। शादी ब्याह हुआ था? नहीं, शादी नहीं हुआ था। पिछले 2 दिनों से रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय के छात्रावास में रह रहे छात्र का धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन मौन धारण किया हुआ था। इसी को लेकर छात्रों ने बुधवार को महाविद्यालय में तालाबंदी कर दी, साथ ही अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। सूबे में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन कई जगह ऐसा है जहां धरातल पर नहीं, कागज पर ही खर्च करके दिखाई जाती है। जी हां, यह सरकारी अस्पताल एक ऐसा दास्तान है जहां देखकर किसी को भी हैरत में डाल देता है। वहीं सन 2002 ईस्वी में बनी यह सरकारी अस्पताल किसी भी आम नागरिक के कोई समुचित सुविधा नहीं दे पाई है। इसमें स्थानीय लोगों के द्वारा घरेलू उपकरण सामान खरीदने से नहीं चूकते हैं, यहां तक कि माल मवेशी भी लोग रखने को मजबूर हैं। यह अस्पताल मधुबनी जिले के खजौरी प्रखंड के फुलचनिया गांव में बनी यह उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां आज तक स्थानीय लोगों को समुचित सुविधा नहीं दे पाई है, जिससे स्थानीय लोगों में सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ नाराजगी और गुस्सा भरा हुआ है। मतलब हम लोग अर्बिस्टर वाला लोग है, वो पल्हा में रहते हैं, तो वहाँ रूम में पानी घुस गया है, इसलिए यहाँ पे 10-12 दिन के लिए मतलब गांव के लोग रखा हुआ है। गांव के लोग जी, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि अवैध रूप से रह रहे हैं आप लोग काफी दिनों से। नहीं नहीं, हम लोग तो आए हुए अभी कितना नहीं, 7-8 दिन हो रहा है। कहाँ से आए? हम लोग कलकत्ता से आए। कलकत्ता जी। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग को यहाँ पे पार्टी चलता है, मतलब ऑर्केस्ट्रा टीम चलता है यहाँ पे। मतलब हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे बलहा में रूम है, वहीं पे रहते हैं, तो वहाँ पे रूम में पानी वानी घुस गया है, इसीलिए यहाँ पे गांव का लोग। हॉस्पिटल है बना, लिखा तो है इस पे, जो स्वास्थ्य केंद्र है। तो क्या सुविधा मिलता है यहाँ? सुविधा कुछ नहीं, जब चालू नहीं है तो सुविधा क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। चालू होने के बाद ना कोई सुविधा मिलता है लोगों को? मीडिया वाला आया था ऐसे ही बोल के चल रहा है, यहाँ के लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही। सर जब चालू नहीं है तो सुविधा कहाँ से मिल पाएगा? कोई डॉक्टर उक्टर कोई नहीं, कोई चालू करवाने के लिए कोई पहल? सर ये जब से बना है गेट में बिल्कुल गेट सड़के ऐसे गेट का वाड़ा बन गया है, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे लगा पड़ा है। कब बना था ये? बना था वैसे ही 2003-04 में, उसके बाद आज तक नहीं हुआ। आज तक कुछ हो नहीं किया, एक बार ऑपरेशन हुआ था बस, वो भी कैसे किस हालत में हुआ था ये नहीं पता है, बस इतना पता है कि ऑपरेशन हुआ था एक बार। तो अब टूट टूट कर भी गिर रहा है, तो आप बस देख रहे हैं सर, जो भी जैसा स्थिति में आप देखभाल नहीं देखते किए हैं क्या? हमको कोई पता नहीं, हमको मालूम ही नहीं है। कौन है ये लोग? ये लोग है वो नाच करने वाली बस, रैकेट चलती है किराजा पर चलता है। बिहार राज्य में इन दिनों भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जी हां, एक तरफ बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आता है, तो कभी भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी बाबू नजर आते हैं। ऐसे में सूबे के मुखिया नीतीश कुमार हाथ पे हाथ रखकर सत्ता का आनंद उठाने में मसहूम है। आइए आपको हम बताते हैं कि एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद आप सुनकर दांते तले उंगली दबाएंगे। यह मामला है मधुबनी जिले के अंतर्गत कलवाही प्रखंड का, जो कि भ्रष्टाचारी का अड्डा बन चुका है। पोस्ट ऑफिस से दे गया हमको, बोला मैं बैंक का नोटिस है। क्या चीज का बैंक का? आप पढ़े क्या? और पढ़े तो थे, उसमें दिखा रहा है कि ऋण है। तो ऋण लिए थे? जी ऋण तो नहीं लिए थे। फिर नोटिस कैसे आ गया आपके नाम? ये मालूम नहीं, मैंने कुछ पता नहीं है ना। कितना जमीन जत्था? ये जब का दिखा रहा है तब हम दूसरे जगह थे, हम यहाँ थे भी नहीं। कहाँ थे? ओ मैं दूसरे जगह बाहर था। कहाँ? और उसका प्रूफ भी मेरे पास है, जब मैं जहाँ का जहाँ था वहाँ का प्रूफ भी है मेरे पास, जिस डेट में निकला है उस डेट में मैं था ही नहीं यहाँ पर। कहाँ? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को लेकर मधुबनी जिले के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया।
वहीं इसमें कार्यरत व्याख्या को सम्मानित किया गया। मिथिला के रीति रिवाज के अनुसार उनको पाग चादर व माला से सम्मानित किया गया, जहां सबसे पहले प्राचार्य सहित व्याख्या के लोगों ने राधा कृष्ण की तस्वीर पर माला पहनाकर उनको याद किया गया। वहीं दूसरी तरफ प्राचार्य ने अपनी बातें सबके समक्ष रखी। पुलिस अधीक्षक सह झंझारपुर के प्रभारी डीएसपी अजय कुमार पांडे 5 सितंबर को झंझारपुर डीएसपी प्रकोष्ठ में क्राइम मीटिंग की आयोजन की। वहीं मीटिंग में सभी थाना अध्यक्ष एवं सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर डीएसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को संगठित गिरोह के अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही अनुमंडल क्षेत्र में पनप रहे अवैध पर्सिंग होम एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ छापेमारी करने का निर्देश दिया। शिक्षक दिवस पर झंझारपुर अनुमंडल के विभिन्न स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वही शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया, तो कहीं गुरु शिष्य की पुरानी परंपरा को जीवित रहने पर बल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय डॉन बॉस्को कन्वेंट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन स्कूल के मनोज कुमार एवं प्राचार्य शैलेंद्र कुमार ने की, जहां स्कूली छात्रों के द्वारा शुरुआत की गई गुरु वंदना से। इस मौके पर स्कूल के शिक्षक सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मधुबनी जिला के जनता दल शिक्षा प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष मनोज कुमार ने शिक्षक दिवस के अवसर पर हो रहे कार्यक्रम में कहा कि शिक्षक ही समाज के निर्माता है, आज भी और कल भी वे अपने बल पर समाज का भविष्य बना रहे हैं। जिले के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामना देते हुए मनोज कुमार ने कहा कि शिक्षक ही वास्तव में शिक्षा और विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। घनश्यामपुर पाली अवस्थित बाल कल्याण पब्लिक स्कूल के प्रांगण में शिक्षक दिवस पर विचार गोष्ठी सह शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के सचिव विनोद मिश्र ने दीप प्रज्वलित कर किया। गौरतलब की विद्यालय प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रकाश कुमार झा, अभिषेक यादव, इशिका भारती सहित दर्जनों प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया। क्योटी प्रखंड क्षेत्र में शिक्षक दिवस के अवसर पर जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम गोष्ठी का आयोजन किया गया। वही रनवे चौक स्थित मिशन क्लासेस की ओर से मिशन के निदेशक माधव कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में निदेशक गौरव प्रसाद गुप्ता के संचालक में सर्वपल्ली राधा कृष्ण जयंती शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर संगीत, भाषण, कविता, नृत्य आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड अंतर्गत डिहटोला मध्य विद्यालय में सेवानिवृत्त शिक्षकों को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया, जिससे शिक्षक समाज के मनोबल बढ़ती दिखी। वहीं सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्मदिन पर बच्चों के द्वारा आयोजित कुछ इस तरह से पेश किया गया कार्यक्रम, महादेव और पार्वती के रूप में बनकर शिक्षक समाज में एक नया मिशन, बच्चों के द्वारा मिसाल पेश किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर झोली विश्वनाथ उत्क्रमित मध्य विद्यालय हरिपुर डिहटोल में प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसे बीईओ लक्ष्मी साफी एवं पूर्व शिक्षक विनय कांत झा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर कौशल विकास योजना बहेरी के छात्र छात्राओं में बड़े ही धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया, साथ ही अपने गुरुजनों को आदर पूर्वक सम्मान किया गया। वहीं दूसरी तरफ कौशल विकास योजना की संचालन प्रियंका कुमारी ने अपने छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस के बारे में विस्तार से बताई। इस मौके पर सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। झंझारपुर अनुमंडल के अंधरा ठाठी के दुमड़ा चौक पर 5 सितंबर की सुबह सरकारी खाद्यान्न से लदे एक पिकअप को ग्रामीणों ने पकड़ा। जी हां, लोगों ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों सहित रुद्रपुर थाना पुलिस को भी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे खाद्य आपूर्ति अधिकारी जैलेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर अज्ञात लोगों के खिलाफ रुद्रपुर थाना में एक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है और खाद्यान्न को स्थानीय डीलर के जिम्मे रखते हुए पिकअप को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं लोगों के अनुसार जब्त की गई 65 बोरी चावल काला बाजारी के लिए इकट्ठा किया जा रहा था। क्या है मामला? डुमरा गांव में ग्रामीणों ने 5 सितंबर की सुबह एक पिकअप को सरकारी चावल के साथ तो पकड़ लिया, और आपको हम बता दें कि पकड़े गए अनाज को जब्त कर लिया गया और इसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो दीजिए हमें इजाजत, आप देखते रहे मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।